पूरी, ये देख सकते हो यहाँ से गई नीचे, ये अभी तक कुछ नहीं हुआ गाड़ी में, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ गाइस, ये देख सकते हो आप, आपके सामने पूरा क्रैश टेस्ट ये। सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग, होप करता हूँ सब मजे में होंगे। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ GTA 5 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज सीन ऐसा हो गया कि मैं जो ये ह्यूमन वाला है यहाँ पे, मतलब कि जो लॉस सैंटोस में जो मतलब कि कुछ भी लाते हो आप बाहर से, इंडिया से इंपोर्ट कराते हो या कहीं और से भी इंपोर्ट कराते हो, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। मतलब जैसा कि अभी मैंने स्टोक मंगाया, बलिनो को बाहर से स्टोक मंगाया, तो मतलब कि जैसे मेरे शोरूम में रख के अगर मैं यहाँ से कोई भी गाड़ियाँ बेचना शुरू करता हूँ तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब कि मैंने पूरी मतलब कि क्वालिटीज़ दिखाई, गाड़ी की सब कुछ दिखाई, बट एक जो टिक था वो काटा मार दिया इन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि हम इस गाड़ी पे कैसे बिलीव कर लें, इसको कैसे सेल करना शुरू कर दें लॉस सैंटोस में। तो गाइस उसके लिए मैंने थोड़ा सा मतलब कि इनको मेरी तरफ से एक कमी लग रही है, वो है कि आपके बलिनो का क्रैश टेस्ट कहाँ है। तो गाइस आज अब हम बलिनो का क्रैश टेस्ट करने वाले हैं, एंड उसके लिए इन्होंने बोला है कि कहीं माउंट चिलियार्ड साइड जाके आप इसका क्रैश टेस्ट करके आओ। तो मैंने कहा यार उधर की साइड तो इतनी बर्फबारी हो रखी है, तो उधर की साइड तो इतना मतलब नुकसान वकसान हो सकता है, तो ये मान ही नहीं रहे। तो उसके लिए गाइस आज हम जाने वाले हैं बलिनो को लेके क्रैश टेस्ट करने माउंट चिलियार्ड के ऊपर, एंड वहाँ की जो मतलब वीडियोज़ वगैरह जो ड्रोन शॉट्स होंगे उनको यहाँ पे लाके सबमिट करना है, जब भी अपनी बलिनो को यहाँ पे ग्रीन टिक मिलने वाला है क्रैश टेस्ट में। तो क्रैश टेस्ट करने वाले आज गाइज अपन, तो चलते थोड़ी देर में यहाँ पे फाइल फूल थोड़ा साइंस वाइन करके काम कर खत्म करके। सो गाइज काम कुम तो करवाया मैं अंदर की साइड जाके, तो अपनी बलिनो देख सकते हो क्या लग रही है बलिनो इस कलर में भी, ये टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी है। तो गाइज इसको मैं चलाता रहता हूँ, और आज मैंने स्पेशली इसको लेके आया हूँ, बिल्कुल मॉडिफाइड गाड़ी है, बिल्कुल देख सकते हो आप लोग मॉडिफाइड वाली बलिनो लेके आया हूँ, क्योंकि कई कई बंदों को ये भी देखना होता है कि क्या क्या मॉडिफाई हो सकता है इस गाड़ी में। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें मॉडिफाई करवा रखी इस बंदे ने। तो यहाँ से चलते हैं हम इस वाले डिपार्टमेंट के इस साइड आए थे गाड़ी की मतलब कि वो करवाने, तो यार उसमें मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह मतलब सब कुछ सही था गाइस, बस थोड़ी सी जो दिक्कत आई ना इसका क्रैश टेस्ट नहीं कर रखा हमने, तो आज इसका क्रैश टेस्ट कर देंगे इसमें, लेट्स सी क्या होता है। तो अपनी बलिनो देख सकते हो बिल्कुल बूम बाम भागते हो, और भाई कस्टमाइज हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी गाइस, लिटरली भाई इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे तो टेस्ट कुछ नहीं कर सकते। और गाइस ये वाली जो कंपनी बता दे सामने, जो कंपनी है आपको एंटरनेंस की, जो मतलब कि हमें कुछ गाड़ियाँ लेके आने वाली हमारे लिए, जैसे कि हमने ऑर्डर दे रखा है इस वाली कंपनी से, तो इस वाली से बात करेंगे थोड़ी देर, मैंने डिले कर रखा है इससे भी बात करनी है हमें, एंड सारा मामला सुलझाना है। बाकी आप बलिनो देख सकते हो, आपको इंटीरियर दिखाऊंगा, ये देखो इंटीरियर भी अपनी बलिनो को एक नंबर इंटीरियर, काफ़ी प्यारी गाड़ी है जैसा कि आपको पता ही है बलिनो, तो बलिनो में कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो गाइस क्या लग रही है भाई इस वाले कलर में, ब्लू सा मतलब बैंगन सा, क्या ही बोलूँ गाइस इस कलर को, आप कमेंट करके बताना इस वाले कलर का। तो और बाकी देख सकते पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं, बाकी गाइस इधर की साइड बर्फबारी नहीं है माउंट चिलियार्ड के, उधर भी देखते हैं शायद आज बर्फबारी नहीं है, क्योंकि सनी डे, तो यार यहाँ पे बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है जैसा कि आपको पता ही है। और गाइस आज हम जाने वाले हैं इधर जो पीछे वाला रास्ता है उससे चलते हैं, गाइस जो आगे वाला रास्ता है वहाँ से तो हम काफ़ी बार जा चुके हैं, पर हम जो पीछे वाले रास्ते से बहुत कम गए हैं, तो आज इस वाले रास्ते को पकड़ते हैं। इसकी यहाँ कहाँ है आगे की साइड, बस बहुत थोड़ा सा बचा है, तो अपनी बलिनो जा रही है माउंट चिलियार्ड की साइड। देख तो भाई स्पीड कितनी ज़्यादा, अरे पुलिस वाले भी भाई, यहाँ पुलिस वाले हैं कौन है, अरे पुलिस वालों गाड़ी जैसी नहीं लग रही गाइस, देख लो पूरी डिट्टो। तो यहाँ से हम जाएंगे गाइस आज इधर वाला क्रैश टेस्ट करेंगे, क्योंकि क्रैश टेस्ट तो ऊपर की साइड जाके होगा, बाकी यहाँ पे बर्फबारी तो नहीं दिख रही गाइस, माउंट चिलियार्ड भी पूरा देख सकते हो पूरे पुराने वाला जैसा दिख रहा है। चलो कोई नहीं यार, लेके चलते हैं अपने हैंस के, हमारे कैब हमें तो बर्फ हो या कुछ हमें क्रैश टेस्ट से मतलब है, तो लेके चलते गाइस हमारी बलिनो जा रही है आराम से होले होले, देखते पीछे की साइड से तो बिल्कुल ईजिली चली जाएगी मेरे को लग रहा है ये, ओहो भाई थोड़ी डिसबैलेंस भी हो रही है। तो गाइस पीछे वाले रास्ते से आज माउंट चिलियार्ड जा रहे हैं हम, तो लेट्स गो, थोड़ी ऑफ रोडिंग भी आपको देखने को मिलेगी, बाकी इसके कंट्रोल्स वगैरह भी देखते हैं कैसे कंट्रोल्स देती है गाड़ी, तो लेट्स सी आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, और बाकी फिर इसके क्रैश टेस्ट के बाद इस गाड़ी के हालात तो मेरे को नहीं लगते कि ये पूरी रिपेयर टाइप करानी रहेगी, इसको तो डंप कर देंगे फिर हम भाई, यहाँ से कहाँ से निकालूँ मैं इसकी। चलो यार थोड़ा सा आज कुछ तूफानी करते तो ऊपर से ले लेते हैं ये निकल के अपनी बलिनो, भाई इसमें कंट्रोलिंग ना कसम से गाइस, जो इसकी कंट्रोलिंग है बहुत प्यारी कंट्रोलिंग है, एंड जिसकी एक्सीलेटर पावर है उसकी तो भाई जवाब नहीं है। दो चीज़ें गाइस इस गाड़ी की जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे, आई एक तो इसका लुक, एंड जो एक किसी की एक्सीलेटर पावर है भाई, वो दोनों इतनी बेहतरीन है ना गाइस, कोई मतलब मुकाबला ही नहीं, कोई तोड़ नहीं है इसका, इतनी बेहतरीन चलती है ना बिल्कुल आराम से, स्मूथली ये देख सकते हो, पूरी एक टायर पे भी दो टायर पे भी देखो कितना अच्छा कंट्रोल से, मतलब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही जैसा कि आप देख सकते हो गाइस। बाकी लेके चलते हैं अपनी बलिनो को आराम से भाई, यहाँ देख रहे बर्फबारी बहुत जल्दी पिघल जाती है, मैं इसके यहाँ थोड़े से मतलब कि ये धूप आती है दो तीन दिन रहती है, तो दो तीन दिन में फिर से आप, और फिर एकदम रात रात को इतनी बर्फबारी हो जाएगी फिर पिघल जाती है दिन में,
भाई बड़ी बड़ा अजीब सा मौसम हो रखा गाइस इन दिनों में तो, और थोड़ी सी देखो डिसबैलेंस हुई, फिर भी मैं इसको कंट्रोल कर ही लूँगा और अपनी बलिनो जा रही है माउंट चिलियाड पे, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, तो ये देख सकते हो माउंट चिलियाड के ऊपर की साइड भी आ ही चुके हैं ऑन द टॉप। भाई मेरे को नहीं लगता पीछे वाला रास्ता यार मतलब ये इनके लिए बनाया गया जो टूरिस्ट वगैरह मतलब कि थोड़ी छोटी राइडर्स वगैरह होते हैं उनके लिए, तो हम आज अपनी गाड़ी ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो देखे तो माउंट चिलियाड का टॉप भी दिखे, आज तो कोई बर्फबारी नहीं है पर टूरिस्ट भी नहीं दिख रहे, देख रहे हो बर्फबारी के बीच में यहाँ से नीचे से मतलब इतने टूरिस्ट मिल जाते हैं हमें पर आज तो कोई मिला ही नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है भिड़ो। चलो कोई नहीं यार अब क्या कर सकते, बाकी यहाँ से देख यहाँ से कंट्रोल करके देखो इसको नीचे नहीं जाने देना, तो ये देख सकते हो ऊपर से मैं बिल्कुल कंट्रोल करते करते ला रहा हूँ एंड ये देखो भाई कसम जाए बहुत प्यारी हैंडलिंग है इसकी सही में, बलिनो भाई एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। तो आज इसका क्रैश टेस्ट करने वाले हैं, ऊपर की साइड चल के क्रैश टेस्ट होगा जब ऊपर से देखते हैं। अभी रेडी हो जाओ गाइस, बस पहुंच ही गए हम ऊपर की साइड माउंट चिलियाड का पीछे वाले रास्ते से आए, काफ़ी दिन हो गए थे यार ये वाला रास्ता भी बिना देखे, तो उस वाले से भी आ गए आज, क्या बात क्योंकि उधर वाले रास्ते से हम आते जाते रहते ही हैं जैसा कि आपको पता ही है। बाकी देख दो पूरी स्पीड में पेलम पेल ला रहा हूँ मैं, तो कोई डर नहीं है इधर यार, छोटा रास्ता है जो वो वाला रास्ता उसमें गिरने के बहुत चांसेस है इस वो भाई कंट्रोल हो गई अभी तो, यहाँ पे गिरने का रास्ता इधर भी बन जाता भाई मेरा गिरने का रास्ता। तो लेट्स गो गाइस, बिल्कुल पहुँच चुके हैं, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी देखने को मिल रही है, अभी डैमेजेस देखेंगे गाइस ऊपर की साइड जाके कितना डैमेज हुआ है बलिनो में, क्योंकि अभी तक तो मेरे को लग नहीं रहा कहीं लगी है ये, पर बाकी हम इधर की साइड आके एक बार चेक तो करना बनता ना गाड़ी कुछ लगा नहीं लगा। तो गाइस ये पहुँच चुके हैं बलिनो के साथ बिल्कुल आराम से टॉप ऑफ द माउंट चिलियाड एंड यहाँ पे एक बार रोक के मैं डैमेजेस देखना चाहूँगा बिल्कुल। तो इधर भाई टूरिस्ट तो आ रहे हैं पर बहुत कम है, देख सकते भीड़ भाड़ बहुत कम, अरे भाई पूरी गंदी होगी आगे की साइड देख लो गाइस पूरी गंदी हो रही है भाई पूरी, देख सकते हो वाइपर वगैरह चलाएं उससे भी भाई थोड़ी मिट्टी हुई हो गई है देख सकते हो। बाकी डैमेजेस के बारे में बात करें तो ये कैसे डैमेज आ गया मैं इसकी, ये तो पता भी नहीं चला कि मिट्टी है डैमेज है, नहीं गाइस ये मिट्टी है। ओके और पीछे के भी देख सकते हो वाइपर्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं भाई, मिट्टी में इतना क्या ही काम करेंगे मैं इसकी ये, अरे रे ये तो बिडू गलत है रे। चलो इसको थोड़ा सा आगे चलाते हैं, ये देख सकते हो बलिनो ये पीछे करी ये आगे करी, ये धूल तो लगी रही है गाइस इसमें धूल तो लगी रही है। तो गाइस आज हमें क्रैश टेस्ट करने वाले हैं, तो क्रैश टेस्ट की जो पोजीशन है उधर की साइड है, तो उधर की साइड लेके चलते हैं अपने बलिनो को। भाई कितनी प्यारी स्मूथिंग हैंडल भाई, दिल आ गया इस गाड़ी पे, तो भाई इतनी गाड़ियाँ चलाई है गाइस पर इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, इस गाड़ी का भाई इतनी बेहतरीन है ना। तो ये जाएगी आज यहाँ से नीचे की साइड एंड आप तैयार हो जाओ गाइस, थोड़ा सा इसको ये क्या है इसकी हटना क्या लगा रखा, ये वार्निंग के लिए लगा रखा गाइस। तो आज हमारी बलेनो यहाँ से कूदने वाली गाइस, तो तैयार हो आप सब लोग और कमेंट करके बताना कि क्रैश टेस्ट कैसा लगा। तो एक मिनट यार थोड़ा घूम ही लिया माउंट चिलियाड आए तो थोड़ी इधर उधर की चीज़ें भी देख लेते हैं फिर आप सब लोगों से मिलते हैं गाइस। तो थोड़ा मैं गाइस घूमना फिरना हो गया, अब फाइनली टाइम आ चुका है बलेनो को यहाँ से नीचे का कूदाने का, तो लेट्स सी आप भी तैयार हो जाओ। ड्रोन्स वगैरह सेट करवा दिए मैंने ऊपर की उधर की साइड कि भाई ड्रोन शॉट्स चाहिए, तो ऊपर से सारे शॉट्स कैप्चर कर लेंगे और बाकी हम यहाँ से गिरने वाले हैं गाइस। तो आप तैयार हो गाइस बलिनो के क्रैश टेस्ट देखने के लिए, यहाँ से हम बलिनो को गिराने वाले हैं। तो पीछे से लाते हैं गाइस थोड़ा सा पीछे से, 1 2 एंड लेट्स गो 3। ये गिरी गाइस बलिनो, यहाँ से गिर चुकी अपनी बलिनो, देख सकते हो क्रैश टेस्ट यहाँ पे होता हुआ बलिनो का पूरी नीचे तक जा रही है पूरी, ये देख सकते हो यहाँ से गई नीचे, ये अभी तक कुछ नहीं हुआ गाड़ी में, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ गाइस। ये देख सकते हो आपके सामने पूरा क्रैश टेस्ट, ये अब गए गेट वगैरह गए, आगे का बंपर वगैरह गए, इंजन वगैरह भी हिल चुका है, इंजन के पार्ट्स गए, ये देख सकते हो अब यहाँ पे आके रुक गई है अभी, अरे अभी थोड़ी सी रुक गई है गाइस। अब देखते हैं पीछे का सब कुछ टूटता जा रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे टूट गई, ये टूटी गाड़ी, ये लगी। ग्लास क्वालिटी काफ़ी हाई है गाइस, ग्लास ऊपर जैसा कि आप देख सकते हो, ये गए सारे, ये भाई इसमें कुछ बचेगा भी है तो स्टील का मेरे को लग रहा है जाते जाते कैन सी बन जाएगी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। ये देख सकते हो पूरी जाती हुई नीचे की साइड आ रही है भैंस की, भाई कितनी ज़्यादा स्पीड हो चुकी है अभी भी भाई, वो साइड के ग्लासेस नहीं टूटे भाई, ग्लासेस के मामले में एक नंबर भाई। ये देख सकते हो पीछे अरे भैंस की इतनी स्पीड पकड़ ली इसने, ये भाई टूटे गेट सारे गए, गेट चार हो गए भाई, कुछ नहीं बचा, इंजन के पार्ट्स वगैरह सब कुछ बोनेट वगैरह सब टूट गया भाई। तो ये यहाँ के फंस चुकी है अरे भैंस की, ये यहाँ के कैसे बच गई, इसको थोड़ा सा ओवर होगा अभी गाइस क्रैश टेस्ट, अभी चल रही है गाड़ी चलती कंडीशन में पर पूरे पार्ट्स वगैरह सारे बिखर गए गाइस, जो गाड़ी का एक स्ट्रक्चर आता उधर की साइड से देखा जाए, ये देख सकते हो पूरी यहाँ पे देख सकते हो, अरे भे भैंस की
अरे भाई पेड़ में लगी, पेड़ में लगी भाई भाई भाई। अब आगे की साइड अभी तक गाड़ी चालू कंडीशन में। ओके ये पहुंच गई, बस नीचे पहुंच गई गाइस। ओके एंड ये लगी यहाँ पे, पर अभी भी चलती कंडीशन में गाइस, बिल्कुल चल रही है मतलब। अरे रे रे, बिल्कुल ख़त्म गाइस, इंजन ख़त्म, इंजन गिर गया नीचे, इंजन ख़त्म, गाड़ी ख़त्म, अब नहीं चल रही गाइस, ये गाड़ी चली नहीं रही। आगे का इंजन गिर गया ना, देखो इंजन निकल चुका वहाँ से। बाकी आप देख सकते हो चारों गेट गए हैं भाई। शीशे में क्या है भाई, ये पत्थर का शीशा है क्या भाई? देख सकते हो गाइस ये शीशा नहीं हिला है, बाकी इसकी साइड लाइट्स भी हिल चुकी है बिल्कुल। मीडिया प्लेयर सीटें वगैरह सब कुछ उखड़ चुके, नीचे का इंटीरियर गया, आगे की सब चीज़ें गई, देख सकते हो गाइस। अरे भैंस की आँख हो गई इसकी तो, क्रैश टेस्ट में तो भाई ये फेल हो चुकी है गाइस, क्योंकि इतना सादा डैमेज, इसका इंजन ही गायब हो गया। देखो इंजन दिखाता हूँ आपको, आप सामने की साइड से, तो इंजन ही गायब हो गया, इंजन ही गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा। लास्ट टाइम तक ये फिसलती फिसलती आई थी, फिर इंजन एकदम से पता नहीं कहाँ गिरा और फिर गायब। अरे रे ज़्यादा नुकसान हो गया वैसे बलेनो में तो गाइस, ये देख सकते हो आपके सामने बलेनो की टेस्टिंग। अरे रे भाई आगे की भी लाइट्स वगैरह सब कुछ टूट गया गाइस, इसका तो बचा ही क्या, बस सीटें बची और एक हैंडल बचा है। पीछे का साइड से यार डैमेज नहीं आया वैसे देखने की बात है तो गाइस, अगर पीछे से गाड़ी ठोकती है तो देख सकते हो थोड़ी बचा लेगी, इतनी तो बिल्ड क्वालिटी है। तो गाइस ये वाले ड्रोन शॉट्स अभी इसमें कैप्ट हो चुके हैं। तो ठीक है गाइस, फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मज़ा आया होगा क्रैश टेस्ट देखने में, ऊपर से जो गाड़ी के डैमेजेस हुए। तो ठीक है फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, जब तक के लिए आप कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे भाई नए भाई हो तो चैनल पर, और मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सी।